মনি হিন্দু থিঙ্ক ট্যাঙ্ক যাকে রাজনীতিতে রাজনীতিতে এক সময় চাণক্যের সঙ্গে তুলনা করা হতো, রাষ্ট্রীয় স্বাভিমান আন্দোলনে যার চিন্তা চেতনা ভারতবর্ষকে পরম বৈভবশালী করার জন্য এক মুহূর্ত থেমে থাকেনি, সেই গোবিন্দাচার্যজি আর যে বার্তা তিনি প্রেরণ করেছেন, দেব সুতম দেবম কংস চাণুরমর্দনম দেবকী পরমানন্দম কৃষ্ণম বন্দে জগদ্গুরুম। ইহা উপস্থিত মাতৃশক্তি আর হিন্দু সজ্জন বৃন্দ, সবসে পহলে মে দো নারা আপসে লগবাউঙ্গা, मैं कुछ कहूंगा आप उत्तर देंगे। एक नारे में मैं कहूंगा आवाज दो, आप कहेंगे हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, कौन करेगा देश अखंड, आप कहेंगे हम करेंगे, हम करेंगे। ठीक है, कौन करेगा देश अखंड, मित्रों जिसमें हमारे ही देश के सुरक्षा के जवान को जानवर की तरह लटकाकर बांग्लादेश के कुछ मजदूरों के द्वारा ढोया जा रहा है, वो उस जवान की लाश का अपमान नहीं पूरे भारत का अपमान था, उसका केवल एक ही हो सकता है कि ऐसे कुशासन से वहां और यहां दोनों को मुक्त मिल होना होगा और भारत को अखंड करने से ही ऐसे अपमान का बदला लिया जा सकेगा। एक तो मुझे ये कहना था, और यहां पर दोस्तों आते ही दो मुझे ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने यहां इतने लोग क्यों आए हैं ये बता दिया। एक था शुभेंदु मालदा का लड़का जो कलकत्ता में रहता है, उसको ज्यादा कुछ नहीं मालूम है, कोई पॉलिटिक्स नहीं कुछ नहीं, केवल उसने जो पर्चा पढ़ा जा रहा था सड़क पर उसको लगा तो हमारी बात है, हमको अपने गांव इलाके में इज्जत से रहने को नहीं मिल रहा है, सिर झुकाकर चलना पड़ता है, आत्मसम्मान पर रोज आघात हो रहा है, इसलिए मैं यहां आया हूं, आप हमें बताइए, मुझे जानता नहीं था, आप मुझे बताइए मैं यहां किससे मिलूं, किससे संपर्क करूं, मैं भी इससे जुड़ना चाहता हूं। ये बंगाल के गांव गांव की व्यथा कथा है जिसका एक उदाहरण शुभेंदु था। ऐसे ही बहुत लोग मिलकर ये बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। दूसरा, एक अपनी बहन के बारे में यहां बताया गया कि 43 दिन तक उसका अपहरण करके रखा गया था, उसको हिंदू संहति के लोगों ने जाकर छुड़ाया था 43 दिनों के बाद, आज वो बहन अपने बीच है। ये हिंदू संहति के कार्यकर्ताओं के काम के बारे में भरोसा था जिसके कारण इतने लोग आज बंगाल से आए हैं और हिंदू संहति को अपना बता रहे हैं। और इसमें से एक बात और प्रमाणित हुई है, जैसे उस पोस्टर ने साबित कर दिया कि भारत की सरकार हमारे देशवासियों के आत्मसम्मान की रक्षा करने में असफल है, नाकारा है, उसी तरह इन दो घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंदू संहति का संदेश यही है कि भारत की और पश्चिम बंगाल की सरकार यहाँ के सामान्य आदमियों के जान माल इज्जत की सुरक्षा करना अपना काम नहीं मानती है, ये सरकारें फेल हैं। मित्रों, जब पुलिस वाले पहरा ना दें, थाने में शिकायतें न लिखी जाए, अपराधी पकड़े ही न जाए, तब उस मोहल्ले के लोग पाली पाली से अपने मोहल्ले की चौकीदारी करते हैं और पहरेदारी करते हैं, और अगर वो पहरेदारी करने के लिए मजबूर है
इसका मतलब है कि वो थाना बेकार है, यहाँ के पुलिस वाले काम नहीं कर रहे। अब अगर कोई इतने लोग आए हैं तो ये इस बात का सबूत है कि पश्चिम बंगाल में सामान्य व्यक्तियों की इज्जत अब सुरक्षित नहीं है और जान माल सुरक्षित नहीं है। ऐसे में अगर कहीं कोई घटना हो जाती है और कोई कहे आपने कानून तोड़ा, अरे कानून था ही कहाँ, कानून जिनके पास था वो पालन क्यों नहीं कर रहे थे, वो पालन करते तो ये नौबत ही क्यों आती। लेती है तो जनता उसके लिए जिम्मेदार नहीं मानी जाएगी। उसी तरह मान लो मोहल्ले में बिजली विभाग के द्वारा बिजली आए ही ना, 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, महीना हो जाए, तो मोहल्ले के लोग आपस में चंदा करके जनरेटर लगा लेते हैं जिससे कुछ समय तो बिजली चलेगी। अब बिजली विभाग वाले आए, तुमको जनरेटर लगाने का अधिकार नहीं, तो मोहल्ले वाले पूछेंगे बेटा तू इतने दिन कहाँ था, तेरी बिजली क्यों नहीं आई, अब तू पूछने चला आया। हिंदू संहति सरकारों की असफलता के कारण एक उपजा हुआ समाज का संगठन है जिसने समझ लिया है कि अगर इज्जत से रहना है, स्वाभिमान से रहना है, सुरक्षित रहना है, तो हमको इन सरकारों पर भरोसा करने से काम नहीं चलेगा। ये सब असफल सिद्ध हो गए हैं। आप खुद देखिए होगा कि चुनाव आयोग ठीक से चुनाव कराएगा, CBI जो जांच करती है उसी के बारे में सवाल हो गया, उसने मुलायम सिंह जी की संपत्ति की जांच के बारे में ढिलाई बरता है। जो कोई पार्टी बाजी के अनुसार ठंडा गरम रहेगा तो CBI का कौन सुनेगा, तारू है तो भला दलों पर कैसे भरोसा रहेगा। विपक्ष में रहते हैं तो कुछ बोलते हैं, सत्ता में जाते हैं तो उल्टा करते हैं, इनके ऊपर भरोसा कौन करेगा। तो स्थिति वैसी ही है जैसे बिजली विभाग फेल हो गया तो लोग जनरेटर लगा रहे हैं। हिंदू संहति भी हिंदू समाज को प्रकाशित करने का ऐसा ही एक जनरेटर है जो हिंदू समाज ने लगाया है अपने हित और सुरक्षा के, चोर उचक्कों से समाज को बचाने के, अपराधियों को पकड़कर दंडित करने का भी काम अगर शासन प्रशासन नहीं करेगा तो शासन प्रशासन को कोई हक नहीं है। हिंदू संहति का कार्यकर्ता अगर अपराधियों को पकड़ते और दंड देते हैं तो ये उनका हक बनेगा, सरकार को कहने का कोई अधिकार नहीं बचता। मैंने टीवी में बहस, वैलेंटाइन डे के बारे में बहस, गुलाबी क्या चड्डी और गुलाबी साड़ियों की बहस, लेकिन दोस्तों ये भी वही बात है। अगर प्रमोद मुतालिक के लोगों ने वहां जाकर हमला किया उसका कारण था कि महीनों से कहा जा रहा था कि उस पब में शराब परोसी जाती है, उसको शराब परोसने का लाइसेंस नहीं है, तुम रोको, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। वहां पर यह कहा गया कि भैया कम उम्र